नागपुर में आवारा कुत्तों के लिए आगे आया है राइज संगठन। आवारा बीमार कुत्तों की देखभाल, कुत्तों का टीकाकरण और कुत्तों की नसबंदी राइज संगठन द्वारा की जा रही है, ऐसी जानकारी राइज संस्था के गार्गी वैरागढ़ द्वारा दी गई है। अब नागपुर में सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर कार्रवाई होगी, साथ ही पालतू कुत्तों का पंजीकरण भी आवश्यक है। समाज में कुत्तों के प्रति नफरत न फैलाए। अगर कुत्तों को रखने के बारे में कोई भी समस्या है या आवारा कुत्ते बीमार है तो राइज संगठन इन कुत्तों का इलाज करेगी, ऐसी जानकारी भी राइज संस्था के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई है। राइज संस्था द्वारा कुत्तों की देखभाल, कुत्तों का वैक्सीनेशन, इसके साथ ही पालतू जानवरों की देखभाल का कार्य किया जाता है। फिलहाल ये संस्था NMC के साथ मिलकर आवारा कुत्तों की निर्बीजीकरण के अभियान में उनके साथ काम कर रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लिया है उसका पर्पस ये था कि हाईकोर्ट के आदेश द्वारा जो डॉग्स उठाए जा रहे हैं उसको लेके एक बहुत पैनिक का माहौल पूरे शहर में है, क्योंकि जो एनिमल लवर्स हैं जिनके डॉग्स उठाए जा रहे हैं उन्हें ये पता नहीं है कि वो डॉग्स कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोगों को ये बताने आए हैं कि हम हमारे सिटी के साथ, हमारे डॉग्स के साथ खड़े हैं, NMC के साथ खड़े हैं, और वो डॉग्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे NGO में आ रहे हैं, जिनका अगर नसबंदी नहीं हुआ है तो नसबंदी हम हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, और अगर नसबंदी हो चुका है तो हम उन्हें वैक्सीनेशन दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे रिहैबिलिटेशन, हम लोग एक सेंटर चलाते हैं जहाँ पे हमारी पूरी टीम है, इंक्लूडिंग एक फुल टाइम डॉक्टर है हमारे पास में, स्टरलाइजेशन मैनेजर है और एक रेस्क्यू मैनेजर भी है। इसके अंडर, हमारे प्रोजेक्ट के अंडर आज तक हम लोगों ने 3,000 से ज़्यादा कुत्तों की जान बचाई है, उन्होंने रेस्क्यू और रिहैबिलिटेट किया है। और हमारे ABC प्रोग्राम में, मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में, हमने अभी तक 2,000 से ज़्यादा हमने स्टरलाइजेशन करवाए हैं। इस अभियान के तहत अब तक नागपुर नगर निगम ने राइज संस्था को 24 आवारा कुत्ते दिए हैं, जिनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन राइज संस्था द्वारा किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।